हेलो फ्रेंड्स, सुधास फूड सफारी में आपका तहे दिल से स्वागत है। विंटर शुरू होते ही पूरे भारत में, चाहे घर हो या रेस्टोरेंट, सब लोग एक ही डिश की बड़ी डिमांड करते हैं और ये है बैंगन का भरता। वैसे तो आपने भरता बनाने की कई सारी रेसिपी देखी होगी, लेकिन मैंने बहुत आसान और बेहतरीन स्वाद की गारंटी के साथ की रेसिपी बनाई है। तो आप ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिए और इसको फॉलो करके आप भी एकदम मजेदार बैंगन भरता बना पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम बनाएंगे बैंगन का भरता। इसमें मैंने तीन प्रकार के ये बड़े साइज के बैंगन लिए हैं। मैंने अच्छी तरह इसे वॉश करके रखा है। अभी इसके ऊपर मैं ऑयल लगाऊंगी। ऐसे ऑयल लगाने से इसके छिलके आसानी से निकल जाएंगे। इसका एयर निकालने के लिए इधर से हम लोग करेंगे और ये पूरा साइड में से ऐसे निकालेंगे, इससे पूरा एयर हमारा निकलेगा। इसके बाद एक ट्रिक दिखाती हूँ। इसे हमें ये थोड़ा सा होल लगाना है। इसके अंदर हमें गार्लिक ऐसे लगाना है एक साइड में, और छोटा सा करना है। इससे हमारा जो भरता होगा बहुत ही बढ़िया और अच्छा होगा। ऐसे तीनों साइड मैंने लगा दिया है। इसे बॉईल नहीं करना है, रोस्ट करना है, तो ही हमारा भरता है बहुत ही बढ़िया और स्वादिष्ट होगा। कैसे पता चलेगा हमारा बैंगन होगा? ये देखो, मैंने ये नाइफ ऐसे पूरा अंदर दे, हो गया बैंगन। ये अच्छे से हमारे बैंगन हो गए हैं। इसके छिलके मैंने अच्छी तरह निकाल दिए हैं। अभी इसका पल्प निकालते हैं। ऐसे अभी इस तरह से हमने इसके सीड्स निकाल दिए हैं बैंगन के। अभी ये हमारा पल्प रेडी हो गया है। अभी हम लोग छोक लगाएंगे। सबसे पहले ऑयल, बड़ा चम्मच, जीरा, जीरा को होने देते हैं। जीरा हो गया है। अभी हींग छोटी चम्मच, इसके अंदर हरा लहसुन। अभी ये सीजन में मार्केट में आसानी से मिल जाता है हरा लहसुन। हरा प्याज बड़ा बाउल, नॉर्मल भी प्याज डाल सकते हैं, लेकिन हरा प्याज डालने से हमारा ये भरता है बहुत ही अच्छा और टेस्टी बनेगा। दो बड़ी साइज के टमाटर मैंने लिए हैं।
ग्रीन चिल्ली अब इसमें सारे मसाले कर लेते हैं। पहले नमक, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और गरम मसाला, सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। कलर बहुत अच्छा आया है। टमाटर हमारे थोड़े गल गए हैं, मतलब सारा मसाला भी मिक्स हो गया है। अभी हमारे जो पल्प हमने बनाया था ना बैंगन का, वो भी इस्तेमाल कर लेते हैं। बहुत अच्छा कलर आया है, आप लोग देख सकते हैं। और ये सीज़न में बैंगन का भरता आप खाएंगे तो खाते रह जाएंगे। थोड़ा सा इसमें मैं नींबू इस्तेमाल कर रही हूँ। अभी एक मेरा ट्विस्ट है, थोड़ा सा मैं एप्पल इसके ऊपर छीन के डालती हूँ, इससे स्वाद इसका बहुत ही बढ़िया आएगा। ये बैंगन का भरता हो गया है, अब सर्विंग प्लेट में मैं निकाल लेती हूँ। इसी मसाले के साथ इसी पैन में हम लोग मोगरा भून लेते हैं। थोड़ा सा ऊपर से नमक, तो ये हमारी बहुत ही टेस्टी और मजेदार बैंगन का भरता रेडी हो गया है। तो आप इसे ज्वारी की रोटी या बाजरे की रोटी के साथ ले सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी के साथ हम लोग मिलते रहेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए एंड हैप्पी कुकिंग।